हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम आप लोग के लिए लेके आए हैं ग्रेट इंडियन फेस्टिवल इन अमेजोन। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि अमेजोन की साइट पे और फ्लिपकार्ट की साइट पे हमारे जो इंडियन फेस्टिवल्स हैं इसके अवसर पे कई सारे ऑफर्स निकले हुए हैं, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। इसमें जो कुछ फोन्स हैं, जो कुछ अच्छे फोन्स हैं, उसका रिव्यू भी हम करेंगे यहाँ पे, देखेंगे उसके रेट, उसके फीचर्स, उसकी क्वालिटी। हमने बहुत सारे फोन हो गए हैं, हैमर मशीन्स हो गए हैं, कई सारी चीजें हमने ऑनलाइन जो है परचेज करके पहले भी देखा हुआ है, तो अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। मेरा नाम अमरीश तिवारी और आप देख रहे हैं यूनिक टेक्निकल। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। सब्सक्राइब कर दो यार, कौन सा पैसा लगना है? पैसा तो आप प्रोडक्ट खरीदोगे तब लगेगा। पैसा तो आपका तब लगेगा ना जब आप प्रोडक्ट परचेज करोगे। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं है, तो नीचे दिख रहे लाल कलर के बटन को जरूर दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल लाइव नाउ, मतलब फिलहाल चल रहा है। और हम दूसरा दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है HDFC बैंक। अगर आपके पास भी HDFC बैंक का डेबिट कार्ड है तो आप जो है इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत डिस्काउंट पा सकते हैं। आप जब पेमेंट के ऑप्शन पे जाएंगे, पेमेंट मोड पे जाएंगे, तो आपको वहां डिस्काउंट करके डेट आ जाएगा, आपको केवल उतना ही पे करना होगा। तो आइए देख लेते हैं कुछ फोन के। ये देखिए यहाँ पे लिखा है अप टू 40% ऑफ ऑन मोबाइल एंड एसेसरीज। 40% ऑफ, कई बार ऐसा होता है ना कि रेट बढ़ा के और 40% ऑफ लिख देते हैं। लेकिन 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 दोस्तों, इस सीजन में मतलब जब भी दशहरे से लेकर दिवाली तक ये फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे ऑफर रहते हैं, इन ऑफर का लाभ मैंने काफी उठाया है। तो मैंने सोचा कि आप लोग को भी कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर की जाए। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं, अगर आप एक 9 से 10 हजार के रेंज में कोई फोन लेना चाहते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 12 से 15 हजार के बजट में कोई फोन लेना चाहते हैं, यहाँ पे Redmi 9, इसका मैं काफी जो है Redmi 9 और Redmi 9A का जो है मैं काफी ज्यादा इसके बारे में सुन रहा हूँ कि काफी अच्छा फोन है। तो अभी हम इसको देखते हैं, चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं Redmi 9 को। ये देखिए दोस्तों, ये ओपन हो रहा है, यहाँ पर भी ऊपर तो लिख तो रहा है 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। वाओ, तो अगर आपको भी ये डिस्काउंट पाना है तो आप करेंगे क्या? अभी हम बताते हैं आप लोग को। देखिए कौन सा फोन है, Redmi 9, और उसके हम कुछ कलर्स वगैरह देख लेते हैं। ये ओपन हो रहा है, ये देखिए, वाओ, लुक तो काफी बेटर है। चलिए इसके प्रोसेसर वगैरह की बात कर लेते हैं हम। स्पोर्टी ऑरेंज कलर का है, 4 GB रैम है, 64 GB स्टोरेज है। वाओ, मैंने दोस्तों एक फोन परचेज किया था Realme X पिछले फेस्टिवल में। मैं आप लोग को उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आप वो फोन लेना चाहते हैं तो वहां से जाके ले सकते हैं। उस पे भी जो है 10% आपको HDFC पे डिस्काउंट मिल जाएगा। मैंने जब लिया था तो 10% SBI पे डिस्काउंट था, तो काफी अच्छा लाभ मिला मुझे वहां से। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लिखा हुआ 8799। चलिए ठीक है, लेकिन हम तो आपको उतना देंगे नहीं। इसमें कलर्स आप चुन सकते हैं, इसमें 13+2 MP रियर कैमरा विथ AI, इसको आप वीडियो को पॉज करके ये सारी चीजें देख सकते हैं। मैं कुछ इसमें से बता दे रहा हूँ, 4 GB रैम है मैंने बताया ही, 64 GB इंटरनल है मैंने बताया ही, 6.53 इंच का डिस्प्ले है, काफी बिग डिस्प्ले है इसका। और इसके प्रोसेसर की बात कर लेते हैं तो ऊपर भी इसका प्रोसेसर लिखा हुआ था। कुछ यही मेन जरूरी पॉइंट होते हैं जिसे आपको ध्यान देना चाहिए। Helio G35 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, काफी अच्छा प्रोसेसर, काफी ठीक ठाक प्रोसेसर है, अच्छा तो नहीं कह सकते इस रेंज में, 8 से 9 हजार के रेंज में। तो अगर आप एक इस रेंज में एक फोन लेना चाहते हैं, आप जो है 10% डिस्काउंट चाहते हैं, तो इस पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, लगभग 1000 से 500 रुपया डिस्काउंट जो है
तुरंत में होता है इस पे। उसके बाद आप जब इसके डिस्काउंट ऑफर पे HDFC से आप पेमेंट करते हैं तो 1000 से 500 के बीच में आपको परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो है डिस्काउंट और मिल जाता है। तो आपके जो है देखिए ये 10% डिस्काउंट अप टू INR, यहाँ पे INR क्या होता है, इंडियन रुपीज होती है, 1250 ऑन HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड ऑन नॉन EMI ट्रांजेक्शन, मिनिमम परचेज वैल्यू 5000। मतलब आप 5000 यहाँ पे देखिए ये चीज आपको समझना जरूरी है। अगर आप HDFC के डेबिट कार्ड से 5000 से कम का परचेज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप अबव 5000 से कोई चीज खरीद रहे हैं मतलब यहाँ पे आपको जरूर मिलने वाला है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं कई सारे फोन्स का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। वैसे ये फोन मुझे काफी ठीक ठाक लगा, बहुत बढ़िया तो नहीं कह सकते हैं लेकिन एवरेज यूज के लिए ठीक है, इसमें आप गेम वगैरह भी खेल सकते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं अपने नेक्स्ट फोन को। अगर आपको इन सारी चीजों से रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझे इन सब का काफी एक्सपीरियंस है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोशिश करेंगे हम अगर उस पर वीडियोज बना पाए तो आपको वीडियो बना के इसी चैनल पे जरूर अवेलेबल कराई जाएगी, क्योंकि मैंने काफी सारी चीजें परचेज की हैं ऑनलाइन और काफी डिस्काउंट का भी लाभ लिया है, जिससे रिलेटेड मेरे पास जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड मैं भी वीडियो डालता रहता हूँ, उसे जाकर आप देख सकते हैं। इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है, आप पे करने जाएंगे ऑनलाइन आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आप जब भी फोन्स को लैपटॉप को कुछ भी ऑनलाइन परचेज करते हैं तो जब भी आप उसे ओपन करें तो एक कैमरे के सामने ओपन करें, उसके पैक को कैमरे के सामने ओपन करें, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी होगी। आप कोई भी बॉक्स ओपन करते हैं तो आप उसे कैमरे के सामने ही ओपन करें और ऑनलाइन परचेज कर दें, उससे ऑनलाइन जो है आप पेमेंट कर सकते हैं, मैंने कई बार किया हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे कुछ कंपेरिजन दिखा रहे हैं, 13 मेगापिक्सल, मतलब इस रेंज में आपको 13 मेगापिक्सल कैमरे ही मिलेंगे। अगर आप 6 से 10 हजार की रेंज में जाते हैं तो आपको जो है 13 मेगापिक्सल कैमरे ही मिल रहे हैं, बाकी ये 13, 2, 5 ये सब होता रहता है। ये डिस्प्ले भी सबका सेम है, 6.5 इंच रिजोल्यूशन, फुली HD, यहाँ पे 5000 इसमें इन दोनों में बैटरी, इन तीनों में बैटरी 5000 mAh है। रैम 2GB 4GB है तो कुछ रेट 2GB बढ़ जाता है तो रेट का लगभग 1000 ज्यादा हो जाता है। प्रोसेसर इसमें सब में लगभग एक ही है, बस इस वाले में थोड़ा इसका रेट थोड़ा सा ज्यादा है, 10,499 है, आपको डिस्काउंट मिलेगा इसके बाद, कुछ डिस्काउंट के साथ एक रेट शो कर रहा होगा उसके बाद आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। ये जो है कोकुलम स्नैपड्रैगन 662 है, एंड्रॉइड है सब, ये तो आपको पता ही होगा, ये क्या बताने वाली बात है। लुक रेडमी 9A का आप देख पा रहे होंगे, देश का स्मार्टफोन है। अच्छा मतलब हमारा नहीं है, हाँ वो तो नहीं है, हम परचेज करेंगे तभी तो होगा। आप तो अगर आप भी अपने देश का स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हैं तो इन्होंने लिखा हुआ है देश का स्मार्टफोन, यहाँ पे देखिए देश का स्मार्टफोन, आप अपने देश का स्मार्टफोन अपने लिए खरीदें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। चलिए वैसे ये सारे फोन मुझे मतलब थोड़े जो इसमें फीचर्स हैं जो क्वालिटी है वो मुझे थोड़ी कम लगती है, कैमरा पिक्सल आजकल 13 मेगापिक्सल कुछ जचता नहीं है, तो मैं थोड़ा हाई कॉस्ट का फोन अगर आप लेने का आपका बजट है तो आप ले सकते हैं। आपको मैं सारी चीजें बताते जा रहा हूँ, इससे थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो अंत तक देखें, आपको बहुत सारी चीजें सीखने और जानने को मिलेंगी। और इससे रिलेटेड आपका कोई भी कमेंट हो तो आप जो है जरूर करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कुछ चीजें बता पाऊं आपको। ये भाई साहब सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G, वैसे 5G जब आएगा तो आएगा, अभी मेरा मूड तो नहीं है, आपका मूड हो तो आप जरूर ले सकते हैं। हाँ
लेकिन मेरी एक जो है मैं सजेस्ट आपको करना चाहूंगा एक चीज कि अगर आप एक अच्छे बजट में फोन लेते हैं एबव 15,000, तो अपने बजट को कुछ स्ट्रेस करें, या फिर उसमें अगर आप देखें कोई सुपर एमुलेट डिस्प्ले वाला अगर कोई फोन मिलता है तो बेटर परफॉर्मेंस होगा उसका, डिस्प्ले क्वालिटी ठीक है। सुपर एमुलेट डिस्प्ले का एक्सपीरियंस रहा है मुझे, मैं वैसे तो ग्लासेस यूज करता हूँ चश्मा, लेकिन जब मैं सुपर एमुलेट डिस्प्ले वाले फोन चलाता हूँ तो मैं काफी समय तक फोन चला पाता हूँ, मेरे आंखों को इफेक्ट नहीं करता है। तो आपके साथ भी अगर ऐसी कोई दिक्कत हो तो आप थोड़ा कॉस्ट को स्ट्रेच कर पाए, तो अगर ना कर पाए तो ठीक है, अगर स्ट्रेच कर पाते हैं तो आप सुपर एमुलेट डिस्प्ले वाला फोन ले सकते हैं जैसे सैमसंग का है। वैसे तो सैमसंग के फोन्स थोड़े स्लो होते हैं, हैंग करते हैं, मैं काफी महंगा से महंगा फोन भी एब्जॉर्ब कर चुका हूँ, उसमें कुछ दिक्कतें आ ही जाती हैं। तो अगर आपको कम टाइम के लिए चलाना है, सैमसंग इंडिया की कंपनी है, अगर आप, मैं ये नहीं कर रहा हूँ मत लीजिए, लेकिन सारी चीजों को एब्जॉर्ब करके लीजिए, सैमसंग गैलेक्सी M12 है यहाँ पे, आपको इसे भी आप ले सकते हैं। बेस्ट प्राइस 9,499 से इन्होंने घटा के 8,550 कर दिया है। इस पे आप इंक्लूडेड यहाँ लिख रहा हुआ है इंक्लूडेड HDFC बैंक ऑफर, तो जो है आप HDFC बैंक से अगर आप इसे डेबिट कार्ड से आप इसे परचेज करते हैं तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट जरूर मिलेगा। अभी मैं केवल ओवरव्यू देते जा रहा हूँ फोन्स का, अगर आपको एक पर्टिकुलर किसी फोन के बारे में यहाँ से डिटेल चाहिए वो फोन मैं अपने पास मंगा के तो आप लोग को बताऊंगा नहीं। ये वन प्लस पे आ जाते हैं, ये वन प्लस जो है काफी अच्छा फोन, अच्छी रेटिंग है इसकी। और कोई Redmi 9 है आपने देखा है, ये देखिए Redmi Note 10 Pro, ये भी काफी अच्छा फोन है, ये IQ वगैरह से तो अच्छा ही है, ये 10,000 तक ही प्रोसेसर है। इसमें कौन सा प्रोसेसर है, 120 Hz सुपर एमुलेट, देखिए इसमें जो है आपको 15,000 में सुपर एमुलेट डिस्प्ले मिल जा रहा है, 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जा रहा है। हाँ फिंगरप्रिंट सेंसर ना होगा, हो सकता है ना हो, मुझे नहीं लगता, चलिए देख लेते हैं, नहीं इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, सुपर एमुलेट डिस्प्ले है, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है। आपके लिए इम्पोर्टेंट है दो तीन चीज देखना, बैटरी कैमरा और डिस्प्ले, तीन चीज अगर आप देख लिए, बैटरी कैमरा और डिस्प्ले। रैम तो आजकल 2 GB से ऊपर ही सब में होता है, देखिए इसमें तो 6 GB रैम है, एवं रैम लीजिए तो 4 GB से ऊपर रैम ही लीजिए, रैम की बात अगर हम करें तो 4 GB से एबव रैम वाला आप फोन्स ले सकते हैं। यहाँ पे स्नैपड्रैगन 732G का प्रोसेसर लगा हुआ है, ये भी थोड़ा ओल्ड प्रोसेसर हो गया है बट आप ले सकते हैं। ये क्या 17,000 रुपए, हाँ इसका रैम, आप रैम देखिए जो रैम होता है उसको आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा गेमिंग नहीं खेलनी, गेम नहीं खेलना है अपने, फिर भी अपने फोन को एक अच्छा जो है क्वालिटी, आप मतलब एक, आप बहुत ज्यादा गेम नहीं खेलते हैं मगर अपने फोन की परफॉर्मेंस ठीक ठाक अच्छा चाहते हैं तो आप थोड़ा 4 GB रैम आपके लिए बेटर होगा। 16 MP फ्रंट कैमरा, 64 MP क्वाड रियर कैमरा, ये फोन काफी बेटर है, इसमें सारी चीजें अच्छी दी हुई हैं, केवल एक चीज इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट को छोड़ के, मुझे लगता है इसके बैक में भी फिंगरप्रिंट है या नहीं है, यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट ढूंढ लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफी अच्छा फोन है इस बजट में। और आप अगर 1-2 हज़ार स्ट्रेस कर पाते हैं, आपको थोड़ा कम कैमरे से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं कि हमको 4 कैमरा नहीं चाहिए, और पॉपअप कैमरा का फोन आप Realme X, देखिए मैं सर्च करके आप लोग को दिखा देता हूँ, मैं Realme X का फोन यूज करता हूँ जो मैंने ऑनलाइन ही परचेज किया था, Realme X, मुझे फोन काफी अच्छा लगा, मैं परचेज किया और साल भर से ज्यादा हो गया मैं इस फोन को चला रहा हूँ। ये देखिए आपका 16,000 Realme X,
मेरे मेरा मैं अगर अपना व्यू दूं तो मेरे व्यू के अकॉर्डिंग इतना अच्छा फोन अभी तक मार्केट में मुझे दिखा नहीं, जो इतने कम कॉस्ट में आपको 17,000 रुपए में आपको इतनी सारी चीजें प्रोवाइड करें, ठीक है। और इस टाइम तो आपको 17,000 में नहीं ही मिलेगा, उससे बहुत 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 कम में मिल जाएगा, क्योंकि 10% अगर आपके पास HDFC बैंक का डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है तो। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगर आप कोई लैपटॉप लेना चाहते हैं, मैं आगे उस पर भी इस तरह का रिव्यू देता रहूंगा, तो आप अभी से लेकर दिवाली तक हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी जुड़े रहिएगा, हमने मना थोड़ी किया है, क्योंकि हम अपने चैनल पे बहुत सारी चीजों को बनाना सीखेंगे, आपके डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजों को भी बनाना सीखेंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट नए इनोवेशन सीखेंगे जो आप अपने लाइफ में अपने घर घर में कर सकते हैं। इसके बारे में कुछ और चीज़ अगर मैं बता दूं तो इसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा होता है, 4 GB RAM है, 128 GB स्टोरेज है। 128 GB काफ़ी होता है, आपको अलग से कुछ लगाने की जरूरत नहीं है और इसमें लगता भी नहीं है, अगर आप लगाना भी चाहें तो इसमें लगता ही नहीं है क्योंकि इसमें स्लॉट नहीं दिया हुआ है दोस्तों। तो पूरी में जब वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रेस कर दें बेल आइकन। यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, पैसा थोड़ी लगता है, पैसा लगेगा आप फोन खरीदने जाओगे तो। चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, लाल बटन को दबा दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।